Well, Prime Minister Narendra Modi announced that veteran BJP leader Lal Krishna Advani will be conferred the Bharat Ratna, the highest civilian award in India. LK Advani is credited with crafting BJP's rise through the 1990s when it came to power for the first time as the head of the coalition government under Atal Bihari Vajpayee. Now, shortly after his announcement of conferring the Bharat Ratna on veteran BJP leader LK Advani, Prime Minister Narendra Modi said the decision is a testament to the fact that the country never forgets those who dedicate their lives in its service. Listen in to what the Prime Minister had to say. We'll play out the statement that was made by the Prime Minister in a short while from now, but after the statement that was made by the Prime Minister, there's been a massive war of words. In fact, politics being played over it. Indie leaders, in fact, some of them welcomed the centre's decision to confer the LK Advani with Bharat Ratna. However, they went on to say that very little was done, too late, and that the BJP made this move deliberately ahead of the Lok Sabha elections. Listen in to what the opposition members had to say. उस मुख्यमंत्री को बचाए थे गोवा में वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे. फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2014 को, 5 अप्रैल 2014 सीन है गांधीनगर में, और गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, वो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं चुनाव के लिए. और अडवाणी जी ने एक बहुत मशहूर बयान दिया है जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. उन्होंने क्या कहा? 5 अप्रैल 2014 को उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक है, ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर. ये शब्द हमने नहीं दिया है, ये अडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में कहा था. ये मेरे शिष्य नहीं है, ये बहुत कुशल, बहुत शानदार कार्यक्रम प्रबंधक. जब अडवाणी जी और मोदी जी को मैं देखता हूँ, ये दो बातें मुझे याद आती. 2002 को अडवाणी जी ने बचाया था नरेंद्र मोदी को, और 2014 में अडवाणी जी ने हमारे प्रधानमंत्री का असली रूप हमारे देश के जनता के सामने रखा. मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूँ उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है. जो एक सांसद है वो सीट बदलना चाहते हैं, तो सोचिए अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो. इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए. और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है. सम्मान तो है खैर उस बात को क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए. इंडिया गठबंधन होगा और हमारी कोशिश होगी कि सीट का बंटवारा जल्दी हो, जीत और सीट इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे. शुभकामनाएं अडवाणी जी को, और क्या कह सकते, बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर अडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो अडवाणी जी ने रखी थी. व्यक्तिगत रूप से कम हम लोग जो युवा हैं राजनीति में उनको बचपन से देखा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया था वो बहुत अच्छा नहीं लगा उसका, लेकिन ठीक है, भारत रत्न मिला है तो उनको शुभकामनाएं.
पार्टी की तरफ से सम्मान तो नहीं दे पाए, लेकिन सरकारी सम्मान मिला अच्छी बात है। मैं अडवाणी जी को शुभकामना देता हूँ कि काश पार्टी की तरफ से, मोदी जी के तरफ से उनको सम्मान मिला होता तो और अच्छा होता। सरकारी सम्मान दे करके अपना फॉर्मेलिटी जिन्होंने कर ली है, लेकिन मोदी जी को जो दिल से सम्मान देना चाहिए था, पूरी पार्टी को देना चाहिए था, वो 10 साल से अडवाणी जी वंचित ही रहे। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि राम मंदिर भी बन गया, अडवाणी जी को भारत रत्न भी मिल गया, पूरा बीजेपी का एजेंडा पूरा होते हुए नजर आ रहा है, तो अच्छी बात है। अडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑनरेबल अडवाणी जी ऑन रिसीविंग द भारत रत्न। భారత రత్న వచ్చినందుకు అద్వానీ గారికి శుభాకాంక్షలు. BJP leaders had to say, many say that the contribution that was essentially made by LK Advani is something that perhaps no party member would ever forget and something that the country would also remember. ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय अडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। अडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। बहुत ही हर्ष का विषय है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे वरिष्ठ नेता, वयोवृद्ध नेता सम्माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय किया है। यह निर्णय बहुत ही सुखद अनुभव देता है और सुख की अनुभूति देता है। अडवाणी जी हमारे उन नेताओं में से हैं, पहली पीढ़ी के नेता हैं, जिन्होंने बाल्यकाल से ही देशभक्ति के साथ अपने आप को जोड़ते हुए देश को मजबूत करना और राष्ट्रीयता की भावना से राजनीतिक दल में, भारतीय जनसंघ में और बाद में भारतीय जनता पार्टी में काम किया। उन्होंने जमीनी स्तर से कार्य को समझा, जाना और कार्य को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने काल में, यानी पिछले वर्षों में, बहुत उतार भी देखे और चढ़ाव भी देखा, यानी बहुत बहुत ऊंचाइयां भी देखी हैं। लेकिन अडवाणी जी ऐसे नेता रहे जिन्होंने पार्टी को सींच करके विपरीत परिस्थिति में पार्टी को खड़ा करने का काम किया और बाद में वह एक सफल उप प्रधानमंत्री के रूप में भी और भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। हम सब लोग, और हम ही सब लोग नहीं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पार्टी के बाहर भी बहुत बड़े संख्या में लोग उनके जीवन से प्रेरित होते हैं और उनके कर्तव्य बोध के साथ, जो उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना के साथ देश की सेवा की है, उससे वो बहुत प्रभावित भी होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो निर्णय लिया है, यह सुख की अनुभूति देता है। मैं अपनी ओर से माननीय अडवाणी जी को और अपने साथ साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय अडवाणी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ।
आरजेडी लीडर मनोज झा इंसल्ट्स एलके आडवाणी, कॉल्स आडवाणी द क्रिएटर ऑफ मंदिर मस्जिद कॉन्फ्लिक्ट. इनफैक्ट नॉट जस्ट आरजेडी लीडर, यू ऑल्सो हैव असउद्दीन ओवैसी making similar statements. First, listening to what Manoj Jha had to say, and also I'm given to understand that Asaduddin Owaisi is speaking to the media. Let's listen. जहां जहां रथ यात्रा गई वहां पर फसाद हुआ. जिस शख्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, यह अलग बात है कि कोर्ट ने किसी को खाती नहीं पाया, यह भी एक बड़ा मजाक है, और उसकी अपील नहीं की गई, तो हम इसको नामुनासिब समझते हैं, गलत समझते हैं. और हम समझते हैं कि भारत रत्न के रुतबे में कमी आ रही है इस तरह के नरेंद्र मोदी की हुकूमत फैसले जो कर रही है. इसलिए हम ये इस बात को खतई मानने नहीं मान सकते कि ऐसे शख्स को आप अवार्ड दे रहे हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और उनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उन जो होम मिनिस्टर थे 2002 का रायट हुआ, तो हम इसको गलत फैसला मानते हैं. शुक्रिया. देखिए, ये सरकार का फैसला है, क्या ही कहें. लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, बहुत सारे पदों पर है, इसे इनकार नहीं किया सकता. लेकिन एक और पहलू है, इस देश के 40 बरस तकरीबन 40 ईयर्स, 4 दशक उस विवाद में गए हैं. हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद. बहरहाल, अब तो मुझे लगता है कि क्या ही कहें, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ. फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनसे बड़ा समाज में संदेश देने वाला तो हुआ नहीं, संतमूलक समाज के लिए. उन पर क्यों नहीं नजर जा रही प्रधानमंत्री जी के, बस यही कहना. 40 साल का जिस बयान ये भी दिए जा रहे हैं कि सरकार नफरत के आधार पर काम कर रही है तरीके से. देखिए, सरकार है, उनकी अपनी प्राथमिकता है. मैंने सिर्फ ये कहा कि जब संदर्भ बनाए ना, तो संदर्भ समेकित हो, समावेशी हो. 40 बरस हम लोगों की तो पूरी की पूरी स्टूडेंट लाइफ इस विवाद में इस देश की ऊर्जा को खत्म होते देखती भी बीती है. वी आर डिमांडिंग फॉर राम मनोहर लोहिया. ऑफकोर्स यस. देखिए, लोहिया जी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समतामूलक समाज के लिए जो लोग भी सोचते हैं उनके दर्शन में रहता है, लोहिया जी को भारत रत्न.